और नाम है शरद द्विवेदी। हमारी खास पेशकश बातों बातों में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो जे अलग अंदाज में हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, वाको कारण जे है हमारी बुंदेली तो है टूटी फूटी, और बुंदेली से हमारा रिश्तों मात्र इतनो है कि हम मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से रहे। आज जे बुंदेली की टूटी फूटी कोशिश क्षमा सहित जो हम कर रहे हैं, बाको कारण जे है कि हमारे संगे हमारे लाने जो विभूति हैं, जो पर्सनैलिटी हैं, विभूति शब्द हम इसलिए कह रहे हैं कि कम उम्र में उन्होंने बड़े काम कर रहे हैं। उन्होंने बुंदेली को एक चैनल लॉन्च कर दो है, बाकी बड़ी चर्चा है मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी, और लोग बाकी दीवाने हो रहे कि बुंदेली बुंदेली बुंदेली। तो इसके आगे तो हमारी बुंदेली, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं बोलकर आपकी हंसी का पात्र बनूँ, वो मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन बुंदेली मेरी बहुत प्रिय बोली इसलिए है कि मेरे अपने मध्य प्रदेश की बोली है, और मेरे बहुत अच्छे मित्र बुंदेलखंड से, जब मैं विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, चाहे ब्रजेश राजपूत हों, मनोज शर्मा हों, दीपक तिवारी हों, दीपक जी तो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, मुकेश जी काफ़ी हमारे बाद के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप हमें बहुत बुजुर्ग मान लो, अभी युवा ही हैं। तो हमारे साथ बातों बातों में जो पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने बहुत कम समय में अपना एक अलग मकाम बनाया, और जैसा हमारे कार्यक्रम का नाम है बातों बातों में, तो बातों बातों में ही उन्होंने सफ़र शुरू किया, अलग अलग जगह किस्मत अजमाई। एक बार पहले भी हमारे साथ बैठे इसी मंच पर, नाम दूसरा था कार्यक्रम का, लेकिन आज उन्होंने अपने बुंदेली बौछार ऐप के साथ एक अलग दुनिया में, एक अलग लेवल में प्रवेश किया है, और एक युवा उद्यमी के नाते हम उन्हें उनसे आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे, उनको बधाई भी देंगे कि उन्होंने बुंदेली को वो एक रिस्पेक्ट तो दी ही है, जो एक बुंदेली बोली के जानकार, और मातृभाषा भी उनकी बुंदेली है, उत्तर प्रदेश से वो ज़रूर आते हैं, ललितपुर से। तो मुलाकात करिए, सचिन चौधरी हमारे साथ हैं, युवा उद्यमी, बहुत स्वागत करता हूँ, पत्रकार भी, पत्रकार पहले हैं। सचिन, अब आप काफ़ी नाम आपने हासिल कर लिया है, जब आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राम राम हरो भैया हमारा नाम है सचिन चौधरी ये कह के जब आप आते हो, तो लोग बड़ी रुचि से आपकी तरफ देखते हैं। कितना कुछ बदला है, अभी मैं देख रहा हूँ चेहरे पे कुछ चिंताएं हैं, भविष्य को लेकर सोच है, दृष्टि है, पहले जब सफ़र शुरू किया था और अब आप जहाँ खड़े हैं, कुछ कंफर्टेबल हैं पहले से? जब आप कोनू 100 मीटर की दौड़ में दौड़ो तो 90 मीटर तक बहुत रिलैक्स हो, असली दबाव तो आखिरी के 10 मीटर में आ। सही कह रहे हैं, काहे के शुरू में जा उम्मीद नहीं करत कि यार हम जा इस दौड़ को जीत भी सकत, तब तक तो बहुत मजे में दौड़त पूरे दोस्त से, और जब आखिरी के 10 मीटर बचे हों और आपको लगे कि अब समय कम है और ये 10 मीटर ई पार या ऊपार, अब वो दबाव शुरू हो रहा, शुरू मस्ती में भव बुंदेली पहुँचा, और आप सब तो पहले दिन से गवाह हो, आपको आशीर्वाद लगातार मिलत रहो मैं, और शुरू में केवल मस्ती मजाक में सामान्य, और हफ्ता दो हफ्ता चार हफ्ता में जो लगे कि यार मजाक भले ही हो लेकिन वो व्यंग हो, वो ठिठोली नहीं हो, बहुत महीन अंतर है जी। तो व्यंग की तरफ गए, फिर आगे आगे चल के अब सब आपके सामने ही हैं कि पत्रकारिता पत्रकारिता मनोरंजन इंटरव्यूज तमाम चीज़ें, लेकिन अब चुनौती बढ़ रही, चुनौती इससे बढ़ रही कि अचानक से लग रहा हो कि यार इमें तो कुछ और भी बड़ा हो सका जो अभी तक काय नहीं हुआ, जैसे राजनीतिक भाषा में कहते हैं 70 साल में जो नहीं हुआ तो अभी तक काय नहीं हुआ, अब चुनौती बढ़ रही, और चुनौती जा भी है कि अब सबको जो लग रहा है यार जो तो बाजार बन रहा, बाजार बन रहा हो तो बाजार में तो फिर व्यापारी भी बैठे, बहुत बड़े बड़े बैठे, हम तो व्यापारी हैं ही नहीं यहाँ, हम तो अपनों स्टार्टअप है, बाजार में व्यापारी बैठे, तो ई के पहले कि कोनु आके हमें लूट ले जाए, हमारी फसल को काट ले जाए, तो भैया खुद ही काट के धल लो, ओला पाला पड़ जाए, ऊ के पहले खुद ही
काटवे की थोड़ी सी दबाव। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। आपकी बात से मुझे एक चीज़ और बहुत समझ में आई कि आपका नज़रिया कम से कम इसको बाज़ार की तरह देखने का नहीं है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि आप बाज़ार की तरह इसे ना देखें। तो मुझे ये बताइए कि एक तरफ है वो बुंदेली बोली, बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, आला उदल हैं, एक बहुत गायकी की नृत्य की राई से लेकर गायन की बड़ी समृद्ध परंपरा है, और दूसरी तरफ बाजार है। तो आपको अपने इस काम के ज़रिए बुंदेली के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए भी बढ़ना है और डिजिटलाइज भी करना है उस बुंदेली लोक तत्व को जो बहुत धीरे 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 समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। सर एक बहुत अपन आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं लेकिन उदाहरण है कि शरीर में दो बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, एक है दिल और एक है पेट, और इन सबको कंट्रोल मुंह से है। तो हमने जुबान के जरिए लोगन के दिल तक पहुंच गए, अब थोड़ा सा नीचे सरक के पेट तक ले आने। पेट मतलब रोजगार, रोजगार, क्योंकि शौक शौक में या पागलपन में एक आध सचिन चौधरी बुंदेली बोल सकत या बुंदेली पे काम कर सकत, हर आदमी नहीं कर सकता। तो अब बुंदेली को रोजगार, बाजार और रोजगार में थोड़ा सा फर्क है कि बाजार वो है कि हम कछु भी बेचें, रोजगार जो है कि हम अपनी चीज को व्यवस्थित तरीके से उकेला ने पेट से जोड़े। अब बुंदेली को रोजगार से जोड़ने की जो कोशिश है उस पर काम शुरू हो। पिछले 2-2.5 साल में बुंदेली बौछार के प्लेटफॉर्म से ही आप सब क्योंकि गवाह हो कि कम से कम 1000 सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग विधा के शुरू है। उनमें 70-80% तो बुंदेली बौछार से निकले लोग हैं, 20% ऐसे हैं जो बुंदेली बौछार के से जुड़े आए और फिर उनने अपने संगे संगे हमने उनको प्रमोट करे, 10% ऐसे हैं जो हमसे नहीं जुड़े लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम बुंदेली बौछार ने करे। तो 1000 लोगों के घर चल रहे हैं बुंदेली से, और हम एक लिखित में सूची दे सकते 1000। तो इको मतलब बाजार बने, जो बाजार हमने अपनी भाषा को बेच के नहीं करे, हमने अपने स्वाभिमान को बेच के नहीं करे, हमने अपनी भाषा को बाजार में उतारे। और बातचीत जी को भोपाल के, इंदौर के, मुंबई के, दिल्ली में जब आदमी जाते तो बोलने में शर्म लगती, आज बे लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो व्यूअरशिप है, मतलब आप ताज्जुब मानोगे, जब संख्या वाइज हम 3rd नंबर पे दिल्ली में हैं सागर और झांसी के बाद, मतलब हम सागर और झांसी के बाद 3rd नंबर पे दिल्ली में व्यूअरशिप है हमारी। तो ये को मतलब कि हम या तो इतने के बसे लोग होते हैं या उतने के भी पसंद कर रहे हैं, उनको एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं आ सकता, लेकिन इनको मतलब कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर के बड़े शहरों में भी मौजूद हैं, टॉप 10 में हम दिल्ली में भी हैं, हम इंदौर में भी हैं, भोपाल में भी। तो अब उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जो है कि जब बाजार बन रहो, छोटो छोटो बाजार बन रहो, अपनो उद्यम खड़ो हो रहो, तो इनको एक बढ़िया मंच दो जाए ताकि फिर जितने से चले थे उतना ही नहीं पहुँचे। तो एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी इस बात से जो हम समझ पा रहे हैं कि बुंदेली गौरव की स्थापना तो हो गई। जो युवा पहले झिझकता था बुंदेली बोलने में, ख़ासतौर से दिल्ली में या और मेट्रोज में, मध्य प्रदेश में भी, इंदौर में, वो अब इस झिझक को ब्रेक कर पा रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये भी है कि हम जब भी रीजनैलिटी के करीब जाते हैं, हम क्षेत्रीयता बोली के करीब जाते हैं, तो लोग ये चिंता भी जताते हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ इसका कोई एक दायरा बन जाएगा कि हम बुंदेली, हमारा महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि ये चीज़ सभी तरफ उठती है बात, तो इससे भी बचाना इस प्रोडक्ट को बहुत ज़रूरी है। आपके घर में मौसी आ जाएँ तो मम्मी को महत्व खत्म हो जाएगा, नहीं हुई है ना, इतनी सी बात है। हम जब अंग्रेजी आई तो हिंदी को महत्व खत्म होगा का, हिंदी देश में चल रही ना अंग्रेजों के इतने लंबे शासन के बाद, तो हम अपनी घर की चीज़ को ही छोटो काय बनाएं। हम अंग्रेजी, और जो हमने रोजगार वाली बात करी, आज हमारे बच्चों के लाने जब स्कूल में एडमिशन लिया तो ऑप्शन में 2 भाषा रखा था एडिशनल लैंग्वेज, एक संस्कृत और एक फ्रेंच। 90% जो माँ बाप हैं वे फ्रेंच का दिलवा रहे, यही से दिलवा रहे कि फ्रेंच एक रोजगार,
इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी के बाद, जो पूरी दुनिया में यूज करी जाती, जिसे रोजगार में कभी बच्चों को संकट नहीं आए। अब जो हम आपसे वही कह रहे हैं, अब बुंदेली पे एक उनको सम्मान पे पहुंच गए अपन, अब सम्मान से जब रोजगार पे चले जाओ तो आदमी भोजन के लाने, आदमी रोजगार के लाने दुनिया की कोनो भी भाषा सीखने को तैयार है। हिंदुस्तान के जितने आदमी अमेरिका में हैं, हिंदी बोल के थोड़ी उनकी दाल रोटी चल रही। तो अगर बुंदेली में हम रोजगार दे रहे, 30,000 रुपया की तनख्वाह मिल रही है आपको हिंदी में, हम 35,000 में दे रहे बुंदेली में, तो काय नहीं बोले आदमी। तो जब वो रोजगार की तरफ है इसे, और इस कोई भी एक चीज़ से, बोलियाँ जो है, बोलियाँ हिंदुस्तान में चाहे कोई सी भी बोली हो, वो बोली हमारी हिंदी को समृद्ध बनाती हैं, हिंदी को खूबसूरत बनाती हैं। उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तान के तमाम जो कवि हैं, तमाम लेखक हैं, वे अपने लेखन में 20% 15% उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। हम और आप भी अपने दैनिक जीवनचर्या में 15% शब्द उर्दू के इस्तेमाल कर रहे हैं, 10-15% शब्द हम अंग्रेजी के इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल कौन सा शब्द है, साइकिल कौन सा शब्द है? तो उन्हीं शब्दों के बीच अगर हम दो शब्द अपने बुंदेली के इस्तेमाल करें तो उसमें क्या बुराई? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप बुंदेली में, केवल बुंदेली में बोलो। हम आज आपके सामने बुंदेली बोल रहे हैं, लेकिन हम हिंदी भी बोला था, हम अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। हमने बुंदेली बोल के हिंदी और अंग्रेजी थोड़ी भूल गए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ब्रेटली लता मंगेशकर आशा भोसले के साथ गाते हैं तो हिंदी के प्रति उनका अनुराग है ऐसा नहीं, क्योंकि ये रोज़गार के लिए है, उनको पैसा मिल रहा है, आपने ठीक कहा। तो सबसे पहला मंत्र तो यही है कि अगर हमें भाषा और बोलियों के उत्थान की तरफ जाना है तो पहले उससे जुड़े रोज़गार हमें निर्मित करने होंगे, जैसा सचिन हमें बता रहे हैं। सचिन, विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को हम मनाते हैं और उसी महीने में हम आपसे ये बात कर रहे हैं। वो कहते थे उपहास, विरोध और स्वीकृति, कोई भी काम इन तीन पड़ावों से गुजरता है। आप इसमें से किन किन पड़ावों से गुजर गए? लोगों ने दुकानदार भी कहा होगा, लोगों ने कहा होगा ये बुंदेली बोली का व्यापारी भी है, लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा कि अभी होश ठिकाने आ जाएंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये रूपर्ट मर्डोक बनना चाहते हैं बुंदेली के। किस किस तरह के अनुभव रहे, कहाँ कहाँ से चोट मिली, और क्या वो याद रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? सर, याद तो रखना चाहिए, तभी तो दुनिया में अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो उसकी दवाई कैसे बनती? जब आपको चोट याद रहेगी जी, तभी तो दवाई बनाओगे ना आप, कि आगे कभी वो चोट ना लगे। तो उपहास तो बहुत शुरुआत में हल्का फुल्का मजाक, चूंकि आप सबके आशीर्वाद से राजधानी में जितने दिन भी अलग अलग संस्थानों में या जहाँ भी काम करे तो एक स्वच्छ छवि के संग काम करे, तो उपहास जैसी बहुत ज़्यादा स्थिति तो नहीं बनी। हल्का फुल्को जरूर, खास तौर से जब विधानसभा में हमने कछु नेताओं के बुंदेली में इंटरव्यू ले, सब पत्रकार एकदम देखते थे जो कहा हो रहा, तो उस समय जरूर हल्का फुल्का लगे। और हमेशा हमारे सब जीवन में एक चीज़ मान वो है कि हिंदुस्तान में जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलता है 51% पे, 49% क्या कर रहे इससे कोई मतलब नहीं। अगर 51% लोग आपके समर्थन में हैं तो जिंदाबाद हो। तो समर्थकों की या सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत मिली, अपार मिली, और आप जैसे सब वरिष्ठों का उसमें बहुत योगदान है, उसमें मतलब हमें भी खुले मंच पे, दुनिया के कोई भी मंच पे कहबे में उनको कोई गुरेज नहीं है। कि जब आज मान लीजिए 2.5-3 साल हो गए बुंदेली को सब जगह बात होने लगी, आज तो दुनिया में हर आदमी कह के भैया हम इनको इंटरव्यू कर लें, या हम इनको कछु, या इसे और ईश्वर करे और आगे बढ़े। लेकिन शुरुआत के तौर पर जैसे आपने सपोर्ट करे, कछु और भी लोगों ने बहुत सहयोग करे, तो उन लोगों को महत्व, एक एक व्यक्ति वो हजारों उपहास पे, हजारों विरोध पे भारी है। रही बात विरोध की, तो विरोध जैसी स्थिति कहीं नहीं आई। कुछ एक साहित्यकारों की चिंता जरूर थी, और वो बात क्या, वो बहुत आपके मंच पे जरूरी है। हमें करीब हर महीना 2 महीना में एक आध साहित्यकार जो लगभग 70 साल की उम्र से पार वाले, उनको चिंता जरूर रह कि भैया तुम बुंदेली को बिगाड़ तो नहीं दो, या उनकी चिंता कहूँ सोशल मीडिया कमेंट में, कहूँ आमने सामने, कहूँ फ़ोन पे जरूर। हमने उनसे उनके सम्मान के संग एक आध दो उदाहरण दिए। हमने कहा कि आप की जो मतलब जा बात कहनी चाहिए, हमने कहा आप लोगन की जो उम्र हती, या आप ही लोगन की जिम्मेदारी हती कि बुंदेली बची रहे, आपके पिताजी के पास बची रही, आप तक बची रही,
आपने अपने बीच की पीढ़ी में जब चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं करी, तभी तो आज हमें काम करने पर रहो, ज़्यादा काम करने पर, या हम जैसे और भी तमाम साथी हमारा केवल जो क्या के वो है के जैसे हमेशा एक उदाहरण देते कि आप कोई से पूछो क्या भैया लोटा लेके कितने जा रहे, सामान्य सी बुंदेली में एक लाइन हो गई। और जा बात दिल्ली मुंबई कलकत्ता लगभग लगभग हर जगह का शुद्ध हिंदी वालों आदि भी समझ जे कि क्यों भाई लोटा लेके कहाँ जा रहे हो, और आप एक ही जगह का काय गुरु लोटा या गड़ई लेके कितने जा रहे। तो जो वो गड़ई शब्द है वो मूल रूप से ठेठ बुंदेली है, लेकिन वो सर्वमान्य आप उसको सोचोगे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों तक ये शब्द पहुंचा दो तो वो संभव नहीं है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि भैया बुंदेली की टोन सेट हो, फिर धीरे धीरे करके उन शब्दों पे भी काम करें जिनको लेके साहित्यकारों की या बाकी कुछ चंद लोगों की चिंता है। हमारे जे भी सुन रहे हैं कि अब सचिन चौधरी और उनका सेटअप जो है वो बड़े से बड़ो हो तो जा रहा भैया, अब आप विज्ञापन दे रहे बड़े चैनल की संकल्पना लेके आगे बढ़ रहे, बहुत ही शुभकामनाएं आपको, लेकिन क्या सच्चाई है 24 घंटों खबर या चैनल टाइप या कुछ अपने YouTube चैनल टाइप का शुरू कर रहे? सर उसके पहले तो हमें लगा जो मूल एक चीज़ छूट गई, बौछार ऐप। हाँ बौछार ऐप, बौछार ऐप। अबे खास तो जैसे हमने कही ना व्यापार की तरफ मतलब रोजगार की तरफ, तो एक अबे हम लोगों ने बौछार ऐप लॉन्च करे जो हिंदुस्तान में पहली बार बुंदेली की वेब सीरीज को प्लेटफॉर्म, बुंदेली में ठेठ बुंदेली में अबे हम लोगों ने 4 वेब सीरीज लॉन्च करी, और इनमें बुंदेली के तमाम सारे कलाकारों को लगभग 150 कलाकारों को मौका दूँ, और जिब्बे कलाकार हैं जिनमें से कछु चर्चित हो गए पिछले 1-2 साल में, कछु अननोन हैं, कछु बहुत अद्भुत हैं। तो केवल आप हमने आपको बताया कि हम कोई दिशा तय नहीं है हमारी, हमारी तो केवल ये है कि हर दिन एक नव कदम, जब तक चल पें तब तक चल रहे, रुकेंगे नहीं जी की गारंटी है। अब तो बौछार ऐप के जरिए हम लोगों ने शुरू करे जो पूरे OTT प्लेटफॉर्म के जैसे काम करा, जैसे आपके हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स हमने बुंदेली को बना दो, तो केवल परिकल्पना ये देश में बुंदेली का अपनी तरह का पहला है। पहलो हम जो भी काम करें अब से लेके आखिरी तक वो देश में पहलो ही करें जो दूसरों भाव वो नहीं करें। अच्छा, जो हमने तय कर रखी वो छोटो हो बड़ो हो अच्छो हो बुरा हो वो ईश्वर तय करे और जनता तय करे, लेकिन नौ करें। क्या क्या रिस्पांस मिला आपके उसको? सर बहुत अच्छा रिस्पांस है और बड़ी संख्या में उसकी डाउनलोडिंग भी, और उमें मूल मंत्र को केवल जो है कि हम एक प्लेटफॉर्म बड़ो करें। अबे कहा है कि अबे YouTube है Facebook है या बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सब प्लेटफॉर्म अपने अपने इंडिविजुअल लोग कर रहे, लेकिन जब तक आप एक कोनू एक मंच पर नहीं आओ, वो मंच पर जब तक आप एक संग खड़े नहीं हुई हो तब तक आप ताकत नहीं बन पाओ। एक एक आदमी अपने घर के बाहर मसाल जलाए तो उसमें केवल रात को उजियार हो गए, तो 100 मसाले सड़क पे खड़ी हो जाए तो पूरा शहर भूल जाए। बहुत अच्छी बात है। एक बुछार ऐप पर मैंने सुना है कि आज़ाद पर आपकी जो चंद्रशेखर आज़ाद पर उन्होंने अपने करीब 3-3.5 साल बुंदेलखंड में गुजारे और उनके बड़े संघर्ष के, और सिर्फ शायद 23 साल की उम्र में उन्होंने खुद शहादत को चुना, तो इसकी बड़ी चर्चा है। आपने काफ़ी हमने सुना है कि काफ़ी आपने कोशिश की रिसर्च और क्रेडेंशियल सोर्सेज के साथ उसको प्रस्तुत करने की, तो कुछ उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें हों तो ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कीजिए। काकोरी कांड के बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद फरार हुए ब्रिटिश शासन के हिसाब से, तो उन्हें 3.5 साल बुंदेलखंड की धरती पर गुजारे, और जब तक भी इतने रहे सुरक्षित रहे, इतने से गए और इलाहाबाद में उनकी मुखबिरी हो गई। इतने जैसे कही जाते ना कि एक फिल्म बाग मतलब जे है कि बुंदेलखंड के ब्लड में मुखबिरी नहीं है, मुखबिरी नहीं है। हाँ। मतलब नहीं राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति है। तो यही 3.5 साल के दौरान वो मल्टीपल रोल में रहे, जैसे फिल्मी दुनिया की बात करी जाए कि वे साधु के भेष में भी रहे, वे मैकेनिक के भेष में रहे। उस समय बुंदेलखंड मोटर गैराज थी, पूरे बुंदेलखंड में एक ही कार सुधारने की दुकान होती, कहा चुनिंदा कारें होती। कहाँ पे किस जगह? झांसी में। झांसी में। हाँ, तो ऊपर उनने हरिशंकर तिवारी, हरिशंकर उनको नाम रखेगा, तो छद्म नाम तो हरिशंकर मोटर मैकेनिक के तौर पे चंद्रशेखर आजाद जी ने काम करे। और वही दौरान उनको एक बार हाथ टूट गया, हाथ में लग गई चोट, और चोट लगने के बाद ऐसा अद्भुत वो सीन है कि डॉक्टर के पास गए, उस समय क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करे जाते, और चंद्रशेखर आजाद को कोई ने बताई थी कि यार जो है
क्लोरोफॉर्म सुंघावे के बाद आदमी बड़बड़ात है और बड़बड़ात में सच बोल जाता, तो तुम बड़बड़ाई मतलब कभी भी ऐसा कोई बड़े तो क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघने। तो डॉक्टर के पास गए, बोले तुम क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघा, जित तो चाहे दर्द हो तुम तो ऐसे ही करो इलाज। तो इस टाइप मतलब इस उस लेवल के वो व्यक्ति व्यक्तित्व थे, और जिनकी बुंदेलखंड में पहली बार चंद्रशेखर आजाद को बुंदेलखंड में प्रेम प्रसंग में फंसावे की कोशिश, भाई मतलब उनको प्यार को प्रस्ताव मिले तो छत से कूद के भागे, ब्रह्मचारी आदमी थे बिल्कुल। उन्होंने साधु भेष में ओरछा के सातार नदी पे उनने हनुमान जी की सेवा करी, उतः आज भी उनकी कुटिया मौजूद है आज भी, और उतः उनके द्वारा खोदो गए कुआं मौजूद है। ये किस जगह है? शिवपुरी के पास, झांसी और ओरछा के बीच में सातार है, सातार झांसी ये मध्य प्रदेश में है, यूपी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कुटिया मध्य प्रदेश कुटिया भी है। और खनियादाना जो चंद्रशेखर आजाद की कमर में जो पिस्टल थी, बा खनियादाने के महाराज थे खलक सिंह जी देव, वो उनने गिफ्ट करी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के शासन में आम आदमी को पिस्टल नहीं मिलती, राजा रजवाड़े जो थे जिन उनको मिलती, उनने दो मंगाई एक सी, क्यों कहा कि हिसाब देने पर तो एक एक कारतूस को दो मंगाई उनने एक सी आजाद को दे दी। और फिर एक दिन अंग्रेजन के पास झूठी सूचना पहुंचा दी कि एक हमारी शिकार खेलत तालाब में गिर गई, और वह बंदूक चंद्रशेखर आजाद को दी जो उनकी अंतिम सांस तक उनके कमर में थी, वही बंदूक से उनने अपने आप को गोली मारी। ऐसी अद्भुत कहानियाँ, और यही को जो अगला पार्ट है मतलब वही में हमने दो एपिसोड गए कि चंद्रशेखर आजाद के निधन के बाद उनकी माताजी बहुत बदहाल स्थिति में थी झाबुआ के भावराम 1949 तक। तो आजाद जी के सहयोगी थे सदाशिव जी, वो उनको ले आए, कुछ दिन वो सागर जिला के रहली में रहीं, क्योंकि सदाशिव जी के भैया भाभी रहली में रहते थे, और फिर उनको झांसी ले गए। और दो साल उनने पूरे जो चंद्रशेखर आजाद जी के उस समय के दोस्त थे 1927-28 वाले, वो उनने सब ने आजाद जी की माता जी की सेवा करी। उनकी माता जी के जो शब्द थे कि जितनी सेवा तुम लोगों ने हमारी करी इतनी हमारा चंदू भी नहीं करता, चंदू बोलती थी वो अपने बेटे को। और फिर वहीं उनका निधन हुआ, वहीं उनकी समाधि आज भी झांसी के बड़ा गांव गेट पे है, जो झांसी के 95% लोगों को नहीं पता। ओहो कमाल है साहब, और इसके लिए तो मैं आपको और आपकी टीम को और आपके इंस्टीट्यूशन को श्रेय बेहचक दूंगा, क्योंकि ये हम सबको भी नहीं पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका नाम ही आज़ाद और जो आज़ाद रहे और आज़ाद इस दुनिया से जाना जिन्होंने चुना, उनका बुंदेलखंड से इतना गहन रिश्ता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं और इस पर फिल्म बना रहे हैं, आप बन चुकी है, बन चुकी है, पे आ चुकी। और उसका अगला पार्ट अब आप बना रहे हैं, अगले पार्ट में आप क्या फोकस कर रहे हैं, यही सब चीज़ें जो अब इसके बाद कुछ और क्रांति करें, चूँकि ये जो माता जी वाला पार्ट है वो भी इसमें हम ला चुके हैं, पूरा कंप्लीट ये है। अब इसके बाद अगले हिस्से में बुंदेलखंड के कुछ और चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं कि जिनके बारे में दुनिया में कोई नहीं फिल्म बनाएगा, उन पे हम बनाएं और लोगों को बताएं कि बुंदेलखंड से या बुंदेली से लोग कहाँ तक पहुँचे या उनके संघर्ष कहाँ हैं। कि दुनिया में सफलता की कहानियाँ हर आदमी बताता है, संघर्ष की कहानियाँ नहीं बताते लोग। बहुत बहुत सुंदर बात है और आपको बहुत शुभकामनाएं। जो मेरा सवाल छूट गया था कि अब आप कोई YouTube चैनल ला रहे हैं, कोई बड़ा चैनल, क्या है उसकी संकल्पना और कब से शुरू कर रहे हैं इसको? सर उसकी संकल्पना भी थोड़ी सी यूनिक है कि हम चूंकि बुंदेलखंड हमारी जन्मभूमि है ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश, और कर्मभूमि है भोपाल मध्य प्रदेश, तो हमने आज ही लिखी कि हमारा तो बिल्कुल हम जमानत के देव की मैया हैं उत्तर प्रदेश, यशोदा मैया है मध्य प्रदेश जो हम पाल रहे हैं। इन दो ही जनन को संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं ले आवे की कोशिश है, ऐसी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नॉर्मल न्यूज चैनल में बुके कही जाती को प्रदेश के साथ, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा केवल एक जिला में मिलत या दो जिला में मिलत हुई, ऐसे ही MP छत्तीसगढ़ की मिलत, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाएँ 4-5 जगह मिलती हैं, लगभग 13-14 जिलों में, 13-14 जिले थे, बिंद में भी मिलती है, बुंदेलखंड में भी मिलती है, ग्वालियर चंबल पे भी मिलती है, आगरा इटावा से आप उधर जाओ तो इनकी। और एक और चीज़ है कि सामान्य तौर पे जैसे मध्य प्रदेश की संस्कृति, वहाँ के अमरकंटक शेड्यूल छोड़ दो आप, तो बाकी संस्कृति छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक मेल नहीं है, पहाड़ से उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक मेल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पूरी संस्कृति एक है, हमारे त्यौहार एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी भाषा एक है, सब बहुत कुछ मिलता जुलता है। इन दो ही जनन को जोड़ के एक व्यू चैनल हम ला रहे हैं,
न्यूज़ चैनल तो चल ही रहे, हम न्यूज पे तो आप लोगों की से केवल सीख ही सकते, हम व्यूज चैनल पे काम कर रहे हैं जिसमें इस पूरे के पूरे लोगों की जन भावनाएँ, जनता की भावनाएँ और यहाँ के सांस्कृतिक जितनी भी विरासतें हैं पूरी उन पे हम काम करने की कोशिश में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा जो विरासत है उस पे काम कर। ये यूट्यूब चैनल होगा या आगे ये सर, इसको बोछार ऐप पे ही 24 घंटे लाइव कर रहे हैं और बाकी यूट्यूब फेसबुक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही है, ये पूरा का पूरा चैनल 24 घंटा बिल्कुल न्यूज चैनल स्टाइल में ही चले। और ई किलाने भी इनमें बहुत आपको हो सकत लोग चौंक जाए, आज जैसे सुबह से हमारे पास 2-3 बहुत बड़े लोगों के फ़ोन आए और जो शायद टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े चेहरा अपने समय में रहे, वे निःशुल्क काम कर रहे हैं, मतलब उनने अपनी तरफ से कही कि सचिन तुम्हारे संगे कछु ना कछु हमें अपना योगदान देने, तो बस हो सकत कछु बहुत अच्छे अच्छे बड़े लोग भी में आए। आगे जाके कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं उत्पन्न होगी क्योंकि काम इतना बड़ा कर रहे हैं आप और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को जोड़ रहे हैं, तो आगे जाके कुछ राजा बुंदेला जी ने भी कुछ ऐसी इच्छा की थी वो हो नहीं पाया, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे ज़्यादा संभावना दिख रही है, तो भविष्य पर छोड़ते हैं ये चीज़ या? सर जीवन में जो महत्वाकांक्षा होगी उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे, फिलहाल कोई महत्वाकांक्षा, फिलहाल महत्वाकांक्षा यही है कि बुंदेली पे काम करें, अच्छा काम करें और जैसे हमने कहा कि 51% लोग हमेशा समर्थन में बने रहे, इतने प्रयास करें, 100% को तो ईश्वर भी कभी संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन 51% लोग हमारे समर्थन में रहें, जो भी काम करें जब तक करें तब तक करें, और बाकी तो जीवन में नए प्रयोग करने अपने जीवन को, जैसे हमारे मित्र हैं आप शायद आप भी जानते हो ज्ञानेंद्र तिवारी रायपुर में, हमारा हमसे सीखा उसने बहुत कुछ, अभी गुरु मानता है, तो वो हमेशा कहते हैं गुरु तुमने तो अपने जीवन को प्रयोगशाला बना रखे है, तो बस वही प्रयोगशाला रहे और प्रयोग करने से कभी ना घबराएं, ईश्वर इतनी ताकत दे बस। सचिन आप जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता चुनौतियों का तो ज़रूर है, लेकिन आप जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ से वो खुलजा सिमसिम का वो दरवाज़ा खुलता है जहाँ सफलता का निचोड़ रूपी खजाना मिलता है। हम जहाँ भी होंगे दुनिया में कहीं भी होंगे आपके लिए हमेशा हाजिर। बहुत धन्यवाद, ये अपेक्षा रहेगी। तो ये थे सचिन चौधरी, निगाह रखिए इनके ऐप पर भी, इनके बुंदेली बौछार और बौछार ऐप पर भी और इनके काम पर भी, और प्रेरणा भी लें वो नौजवान जो अक्सर नौकरी के तिलस्म में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सफल होते हैं और बहुत सारे लोग उस चक्रव्यूह में फंसकर अपने सपनों को दम तोड़ते हुए भी देखते हैं। तो मैं नहीं कहता नौकरी करना कोई ख़राब बात है, बहुत अच्छी बात है, आप काम करें, क्रिएटिविटी नौकरी में भी खूब दर्शाई जा सकती है, लेकिन अगर आपके भीतर कुछ अलग करने का जज्बा है तो एक बार सचिन चौधरी और उनके काम पर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद सचिन एक बार फिर, इजाज़त दीजिए, बातों बातों में अगली बार एक और किरदार के साथ फिर आपसे मिलेंगे।